तो कल जैसा सेटअप मैंने बोला था, सेल ऑन राइस पे मैं फोकस करूंगा और देखिए कितनी अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स लॉस रिकवर कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से आपके जो लॉसेस हुए हैं पास्ट में उसे रिकवर करना चाहते हैं, तो केवल हमारे टाइम प्रेडिक्शन को फॉलो करना है निफ्टी बैंक के, जो मॉर्निंग में आता है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज का था सेल ऑन राइस पे, देखिएगा मैंने डाउन ट्रेंड 17 मिनट में बताया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे 13 मिनट में डाउन ट्रेंड देखने मिला। तो मिस नहीं करना चाहते हैं तो जाके ज्वाइन करिए विदाउट एनी डिले। कल की भी स्ट्रैटेजी मेरी सेल ऑन राइस की रहेगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि जब तक ICICI बैंक के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक कोई बहुत सॉलिड जंप निफ्टी बैंक में नहीं आने वाला है। ये तो मेरा एक लॉजिक हो गया। सेकंड, मैं आपको फैक्ट ऐसे देता हूँ जिस पे आपको खुद भी वर्क करना है। पहला फैक्ट मैं आपको देता हूँ, ये देखिए, पहला फैक्ट ये है निफ्टी फ्यूचर्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी, काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। मोमेंटम इतना अच्छा था कि ये लग रहा था कि मार्केट कल प्लस में ओपन हो सकता है और ऊपर की तरफ जितना भी खुल जाए मार्केट, ये अच्छी बात है। आज भी जैसे मार्केट ऊपर की तरफ खुला तो ये अच्छी बात हुई। तो हमें देखिएगा, दो चार्ट मैंने डाले थे निफ्टी बैंक के, किसमें, अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि दो चार्ट डेली आएंगे। सेकंड जो चार्ट डाला था उसके बाद हमें 400 पॉइंट मिले तुरंत, तत्काल कितने मिले, 80, 100, 110 पॉइंट केवल 5 मिनट में। तो देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा धीरे धीरे निफ्टी फ्यूचर क्या हो रहा है, स्लाइड होते हुए देखिएगा नीचे आ चुका है, 17700 पे आ चुका है और 17650 के आसपास की निफ्टी की क्लोजिंग है। तो जितना इनके बीच में गैप कम होता है, इसका मतलब उतने गैप से निफ्टी क्या होगा, कल ओपन होगा। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लग रही है जो आपको फोकस करनी चाहिए, डाओ फ्यूचर्स। डाओ फ्यूचर बहुत अच्छे पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में थे, डाओ फ्यूचर्स बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव ट्रेड हो रहे थे। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अच्छी अपडेट आई थी, अच्छी चीज़ आई थी, अच्छी खबर आई थी, उसके बाद ये पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनमें निगेटिविटी देखते हुए मिल रही है, विच शोज कि हमारे इंडियन मार्केट भी कल रेजिस्टेंस के पास अगर पहुंचते हैं तो ये तुरंत सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एज सच कोई बड़ा क्लू नहीं है मार्केट के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा डाओ फ्यूचर्स के गिरे होने के कारण, यानी 100 पॉइंट्स गिरा हुआ है, इसके पीछे का फैक्ट एंड फिगर इसलिए मैं देखिएगा कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो 2 घंटे पहले अपडेट आया है, 2 घंटे पहले आप investing.com पे जाके देख सकते हैं, डाओ फ्यूचर्स में 135 पॉइंट का जंप था। अब इस समय कितना देखने को मिल रहा है, 110 पॉइंट का देखिएगा गिरावट देखने को मिली थी अभी तक, जब तक देखिएगा मैं वीडियो बना रहा हूं। अब ऐसे में आप मान लीजिए 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स डाउन हुआ है, तो क्यों हुआ है, तो ये तो वजह नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका की जो अर्निंग आई थी वो बहुत अच्छी आई थी। अमेरिकन बैंकों की अर्निंग भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत सॉलिड आ रही है, बट स्टिल वहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और जैसे जैसे ये अर्निंग सीजन ख़त्म हो रहा है, ये शो कर रहा है कि फिर से मार्केट अपने देखिएगा रुख को बदलने वाला है। क्यों, आपको पता है, सबको पहले से पता रहता है, पहले से क्रेज़ रहता है कि अर्निंग अच्छी आएगी, अर्निंग अच्छी आएगी, तो मार्केट को पंप किया गया है। और अब अर्निंग देखिएगा, HDFC बैंक के रिजल्ट जैसे कि मन मुताबिक नहीं आए, आपने देखा ऐसे ही 2-3 दिग्गज बैंक के अगर रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आएंगे तो ये सिनारियो खत्म हो जाएगा। बैंक निफ्टी जो आपको पूरा पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में देखने को मिल रहा है, सॉलिड गेन के साथ ऊपर सस्टेन कर रहा है, वो दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ने लगेंगी। तो अगर आप देखेंगे बैंक ऑफ अमेरिका की अर्निंग अच्छी आने के बाद भी जो डाउ फ्यूचर्स डाउन हुआ है, ये कल शो कर रहा है कि कल आपको फिर से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है, ये सेटअप अच्छा वर्क करेगा। दूसरा बड़ा रीज़न देखिएगा HDFC बैंक का देखिएगा खेल ख़त्म हो चुका है। आपको पता है रिजल्ट आ चुके हैं, 2 दिन में आज सच कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, अगर मोमेंटम आता भी है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो HDFC बैंक को ही ट्रैक करिए, ICICI बैंक को साथ में लगा लीजिए, दोनों अगर लिटिल बिट भी प्रेशर में देखने मिल रहे हैं तो आपको पहले से सिग्नल मिल जाता है कि लाइक यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बढ़िया सिग्नल दे रहा है आपका
बॉन्ड मार्केट, अमेरिका का बॉन्ड मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा। तो जब तक इसमें गिरावट नहीं आती है तब तक एज सच कोई बिग पैनिक नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ पे? आपको स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बढ़ा हुआ है यूएस टू ईयर बॉन्ड यील्ड, तो जंप तो कोई आना नहीं है। और अगर इसमें काफी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है तो नीचे की तरफ हमारे मार्केट जरूर स्लाइड हो जाएंगे। आगे अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छी जगह पे देखिएगा मार्केट वर्क कर रहा है। आज भी मैंने आपसे कहा था कि ऊपर की तरफ जाता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखिएगा। तो आज आपने देखा कि आपको कहीं ना कहीं बढ़िया मोमेंटम मिला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला और काफ़ी नीचे तक मार्केट गया। तो कल के लिए मेरा जो रेजिस्टेंस है 17,740 पे मार्केट आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। और नीचे अगर 17,620 टूटता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। तो 17,600 के नीचे का पुट बहुत एक्टिव हो जाएगा अगर देखिएगा 620 के नीचे मार्केट टूटता है तो। निफ्टी बैंक में मैं आपको क्लियरिटी देता हूं, मैं देखिएगा यहां पे देख रहा हूं कि अब 42,440 एक अच्छा रेजिस्टेंस वर्क करेगा और 560 पे तो सेलिंग आराम से आती है। तो ये दोनों ऐसे लेवल रहेंगे जहां पे आपको वर्क करना है। लेकिन कल पुट एक्टिव जो होंगे वो देखिएगा आपको चेंज कर देने हैं। 42,200 के पुट पे वर्क करना है, आज मैंने 300 और 400 को बताया था, आप देखिए जाके वो पुट जैकपॉट बने हैं। तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी में यहाँ पे 146 पे ये पुट है, 150 के आसपास है। इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम कल एक्टिव ट्रेड आपको देखने को मिलेगा चूंकि हम एक्सपायरी के पास आते चले जा रहे हैं। तो कल ये पुट बहुत अच्छा वर्क करेगा 42,200 का, चूंकि ये पर्टिकुलर ऐसे लेवल है जहाँ पे मार्केट वीक हो रहा है बार बार आके। और दूसरा है 42,300 का, ये दोनों पुट कल बहुत अच्छे वर्क करेंगे जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है। इन पे वर्क करिएगा। स्कैल्पिंग में आपको कम से कम एक लॉट में कुछ नहीं तो 1,000 पॉइंट मिल जाए, 1,000 रुपये मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।